हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। सो आज है कार्तिक पूर्णिमा और आप लोगों ने देखा ही है कि पिछले ब्लॉग में कि मैंने किस तरह से सत्यनारायण स्वामी का पूजा किया है। सो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और अभी मैं पूजा कर ली हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने के लिए। और यहाँ ब्राउन भी आ गए प्रसाद खाने के लिए, आज अलग ही है इसका भी। सो अभी मैं प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में भी हम लोग कुछ स्पेशल ही आज खाने वाले हैं, तो वो भी क्या खाऊंगी वो भी दिखाऊंगी। तो पहले प्रसाद खा लेते हैं क्योंकि मम्मी बोल रही है प्रसाद खा लो, क्योंकि पूजा करने के बाद प्रसाद खाना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले प्रसाद खाते हैं। तो यहाँ पे सारा प्रसाद है जो हम लोगों ने भगवान को चढ़ाया था, अब हम लोग प्रसाद खाने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का पूजा समाप्त हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भगवान के पास था जो भी प्रसाद, मैंने हटा लिया, अब हम लोग प्रसाद खाएंगे। सो इस तरह से सिंपल तरीके से हम लोगों ने पूजा किया था, और उसका व्लॉग अभी तक नहीं देखे हो किस तरह से हम लोगों ने सत्यनारायण स्वामी का घर पे खुद से पूजा किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर लेना। और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है, आप लोग घर में आराम से कर सकते हो। ऐसे आपके घर में यदि पंडित जी अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हो। एंड अब इसके बाद हम लोग व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे प्रसाद खाने के बाद। तो मैंने प्रसाद को प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से, ये जितना भी प्रसाद है हम लोग सब लोग को देने जा रही हूँ अब मैं, उसके बाद भी मैं भी खा लूँगी। प्रसाद ही खाया जा रहा है, सो मम्मी प्रसाद ही खा रही हैं, पापा, भाई, बहन और मैं भी अब खाने जा रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट का तैयारी करेंगे। ब्रेकफास्ट में बन रहा है यहाँ पे आलू दम, उसके लिए मैंने हरा प्याज ऊपर छत पर से लेकर आई हूँ और उसको मैं काट ली हूँ। एंड यहाँ पे है आलू, तो अभी मैं इसमें इसको डाल दूँगी, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनता है। और इसके साथ हम लोग खाने वाले हैं दही चूड़ा, और लंच में हम लोग खाएंगे चावल। आज कार्तिक का पूर्णिमा है तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा दही चूड़ा और आलू दम खाया जाए, तो हम लोग वही खा रहे हैं। और इसको भी मैं पानी वानी डाल करके रख दूंगी और पक जाएगा, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। तो हम लोग प्रसाद खा लिए तो इतना ज़्यादा भूख हम लोग को अभी नहीं लगा है, और वैसे भी आज ग्रहण लगने वाला है तो हम लोग को खाना वाना पहले ही खा लेना है, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अभी सब्ज़ी कितना टेस्टी लग रहा है, अभी तो बना भी नहीं है, बनने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अभी मैं 2 मिनट और इसको फ्राई करूँगी, एंड उसके बाद फिर हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। एंड यहाँ मैंने गोभी भी फ्राई करके रख लिया, उसे भी डाल देंगे। गोभी डालने की, तो मैं इसमें गोभी भी डाल रही हूँ। देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है ना खाना, तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी एंड अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। सब्जी यहाँ पे रेडी हो गया है, टेस्टी सा सब्जी आलू दम। एंड यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं चूड़ा एंड दही। तो ये दही मैंने कल जमाया था और देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा दही जमा है, मतलब थोड़ा भी पानी नहीं है, एकदम सॉलिड दही जमा है, देख सकते हो आप लोग। मतलब इतना मैं कटोरा को टेढ़ा कर दी हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे चूड़ा निकल गया है, सो हम लोग अभी दही चूड़ा और सब्जी खाएंगे। तो पहले मैं सबके लिए निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो दही देख सकते हो, बस बस ब्राउन खाना है दही चूड़ा, इसका आज तबीयत खराब है, खाना खाने के लिए नहीं उठी। यहाँ पे मैंने भी अपने लिए दही चूड़ा चीनी और सब्जी निकाल लिया था और मैंने खाया, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। सो मैं सो के उठी हूँ करीब 3:30 बजे, एंड उसके बाद मम्मी बहुत जगाई तब उठी हूँ, तो अभी मैं सो के जग गई हूँ। मतलब खाना इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, और मैं 2 घंटा
सो ली हूँ और अभी मुझे मम्मी ने ला के दिया है संतरा, बोल रही है खा लो, तो अभी मैं ये संतरा खा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो भूख लग ही गया है दही चूड़ा खाने के बाद। सो पहले भी ये संतरा खा लेते हैं, उसके बाद नींद भी खुल जाएगा अच्छे से। सो संतरा देख करके मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक हाथ से ही संतरा छीलूँ, तो मैं यहाँ छील रही हूँ एक हाथ से संतरा क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा था। मेरा फेस थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि सो के जगने के बाद मेरा फेस थोड़ा अजीब ही लग रहा था, बाल भी थोड़ा बिखरा बिखरा लग रहा था, बट मैं बेड पे ही संतरा वंतरा खा ली उसके बाद ही फिर से उठी थी। ये संतरा बहुत ही ज़्यादा मीठा है, कोई कोई संतरा होता है जो बहुत खट्टा होता है, बट मुझे जो मिला है बहुत ज़्यादा मीठा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो चंद्रमा ग्रहण के पहले हम लोग को क्रेविंग हो रही थी गुपचुप खाने की, सो मैंने जल्दी से इंस्टेंट वाला गुपचुप बनाया है, यहाँ उसका पानी एंड यहाँ है उसका चोखा। सो अभी मैं जल्दी से खाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 4:30 हो गया, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ क्योंकि फिर ग्रहण लग। तो यहाँ पे टेस्टी सा गोलगप्पा मैंने रेडी कर लिया है और अभी मैं खाने वाली हूँ। ब्राउन को भी गोलगप्पा बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप देख सकते हो कितना प्यार से वो गोलगप्पा खा रही है। ग्रहण खत्म होने के बाद आज मैंने डिनर में बनाया था ये भिंडी का सब्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और फिर ग्रहण के बाद नहाने धोने के बाद मेरा मन नहीं कर रहा था थोड़ा भी वीडियो शूट करने का, इसके लिए मैंने लास्ट का वीडियो नहीं शूट किया इसके लिए सॉरी। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।